दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में, जहां पर आज के दिन हमें कोई बड़े मूवमेंट तो देखने को नहीं मिले, लेकिन टाटा पावर ने अपने क्वार्टर थ्री के रिन्यूएबल एनर्जी के नंबर्स आज के दिन डिक्लेयर कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, टाटा पावर की ही कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का रिजल्ट यहां पर निकल कर आ चुका है और रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा निकल कर नहीं आया है, लेकिन उसके पीछे कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से रीजन भी बताया गया है। सबसे पहले हम टाटा पावर के रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने क्वार्टर थ्री के अंदर 29 करोड़ रुपए का नेट लॉस डिक्लेयर किया है, जो कि अगर आप लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में देखेंगे यानी कि दिसंबर 2022 में, तो वहां पर कंपनी का लॉस सिर्फ 13 करोड़ का था। तो यानी कि कंपनी का लॉस ऑलमोस्ट हमें दो गुना होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके पीछे का रीजन कंपनी ने बताया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़ने के कारण कंपनी यहां पर प्रॉफिट नहीं बना पाई है। लेकिन इसी के साथ अगर हम टाटा पावर के सेल्स की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर थ्री के अंदर 333 करोड़ रुपए की सेल्स डिक्लेयर करी है, जो कि अगर आप प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो वो 260 करोड़ रुपए की थी। तो ओवरऑल यहां पर भी आप देख पाएंगे कि कंपनी की सेल्स के अंदर तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्सपेंसेस ज्यादा होने के कारण कंपनी यहां पर प्रॉफिट नहीं बना पाई है। तो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें ये देखने को मिल रहे हैं टाटा पावर के निकल कर आए हैं। और साथ ही साथ आज के दिन टाटा पावर की एक इन्वेस्टर कॉल मीटिंग भी हमें यहां पर देखने को मिल रही है, 1:1 फिजिकल मीटिंग देखने को मिल रही है, जिसमें कुछ बड़े अपडेट्स हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं। इस इन्वेस्टर मीटिंग्स के आउटकम्स हमें कल के दिन आते हुए देखने को मिलेंगे, जिस कारण से मंडे के दिन हमें टाटा पावर की शेयर प्राइस के अंदर कुछ बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। तो यदि आपने टाटा पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो कल का दिन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। साथ ही साथ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने जो अपने क्वार्टर थ्री के नंबर्स को डिक्लेयर किया है, जो लॉस डिक्लेयर किया है, उसमें कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि वो नेक्स्ट क्वार्टर तक अपने लॉस को तो रिकवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक काफी अच्छे मुनाफे में भी बैठेंगे। तो यदि आपने टाटा पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस, तो यहां पर आप नजर बनाए रख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।